अस्सलाम वालेकुम मैडम के किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ खड़ी मसूर की दाल। सो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने एक पाव के करीब मसूर दाल ली थी, उसे आधे घंटे से भिगा के रख लिया था और मैंने मिक्स दाल ली है। आप इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, आपके ऊपर ही है। सो मैंने इसे भिगा के रख दिया था आधे घंटे से। और एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गर्म मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 2 चम्मच लिया, आधा चम्मच हल्दी और एक टमाटर था उसे काट के रख लिया। और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है इसलिए हम 2 से 3 ले लिए हमने। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक खाली कुकर लिया है, हम इसमें अपनी सारी दाल शामिल करेंगे। हमने सारी दाल इसमें शामिल कर दी है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम अपने हिसाब से डाल सकते हो, कितना आप डाल रहे हो उसी हिसाब से पानी ऐड करें। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर और ये सारे स्पाइसेस जो हमने लिए थे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ऑयल करीब 1 चम्मच के। इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे। बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम गैस पर रखेंगे। इसे हम बंद करके करीब 5 से 6 सीटी आने तक रख देंगे, फिर उसके बाद इसको खोल के तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसे फाइन चॉप करके रख लिया था, और 3 रेड चिली है, ये कम तीखी वाली है, और आधा चम्मच जीरा, और 2 से 3 लहसुन थी उसे बारीक कट करके रख लिया। जब तक हमारी दाल गलती है फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। 5 से 6 सीटी आ गई है, अब हम खोल के देखेंगे हमारी दाल कैसी है। बहुत ही अच्छी परफेक्टली एकदम कुक हो गई है, न ज़्यादा गली है न ज़्यादा वो है, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। देखो दाल भी एकदम अच्छे से गल गई है। अगर पानी आपको कम लग रहा है तो आप पानी डाल सकते हो, मेरा एकदम परफेक्ट है तो मैं पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब इसे हम साइड में रखेंगे और तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, उसको हम गैस पे रखेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें हम हरी शामिल करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तेल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें अब हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा तड़क जाएगा, फिर इसमें हम लहसुन डालेंगे और फिर मिर्च। जीरा हमारा हो गया, अब इसमें हम लहसुन डालेंगे और 3 साबुत हरी लाल मिर्च। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमारा हो गया लहसुन और मिर्च, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें तड़का लगाएंगे। हमारी लाइट पिंक होने लगी है, इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हम तड़का लगाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है तभी तड़के में अच्छी लगती है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बन के तैयार होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।